अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा, आज का टॉपिक है मैक एड्रेस पर। इथरनेट में जो फॉरवर्डिंग होती है वो मैक की बेस पर होती है, आईपी की बेस पे नहीं होती। तो मैक क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक ये लेयर टू का आईडी होता है, ये फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस कहलाता है। ये फिक्स और यूनिक होता है बाय द लॉ। ठीक जैसे कि आईपी की अथॉरिटी होती है आयाना, उसी तरह मैक की अथॉरिटी होती है IEEE। मैक फिक्स होता है पोर्ट्स पर। बहुत सी पोर्ट्स होती है, अब हर पोर्ट का मैक तो नहीं होता, फिर किन पोर्ट्स का मैक होता है जिन पर IEEE का प्रोटोकॉल चल रहा हो। दुनिया की हर वो डिवाइस जिस पोर्ट पर IEEE का प्रोटोकॉल चल रहा हो उस पर मैक होगा। फॉर एग्जांपल वाईफाई 802.11, ब्लूटूथ 802.15, इथरनेट 802.13। अगर किसी पोर्ट पर इथरनेट है तो इसका मतलब है उसका मैक होगा। फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस। अब जो मैक एड्रेस ना बाइनरी की फॉर्म में होता है ना डेसिमल की फॉर्म में होता है, ये होता है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। हेक्सा निकला 6 से और डेसिमल निकला 10 से, यानी कि ये टोटल 16 नंबर होते हैं। ये 0 टू 15 तक होते हैं। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 के अगेंस्ट ए बी सी डी ई और एफ होता है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। कैसे? रीजन क्या है? अगर ये कहलाता है सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि अगर एक नंबर लिखा हो 9 1 2 1 2 1 3 1 5 और 6, ये सिंगल डिजिट नंबर कहलाता है। तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे ये है जी 9 एक सिंगल डिजिट है, 1 एक सिंगल डिजिट है, 2 एक सिंगल डिजिट है। हालांकि ये 1 टू नहीं है, ये 12 है। इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हेक्साडेसिमल में इसके अगेंस्ट सी रखा हुआ है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर 10 आए तो ए बी सी डी ई एफ रखा हुआ है। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन टू बाइनरी। अब ये 1 octet, यानी कि 8 बिट्स होती है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। हम पहली 4 बिट्स को ले लेते हैं। रैंडमली मैंने नंबर उठाया 0, 9 उठाया 12 और 15, जिसे हेक्साडेसिमल में सी और एफ कहते हैं। अगर मैं 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये तमाम बिट्स इसके 0 ही हो गए। 9 को करूं तो 8 बिट ऑन और 1 वाली बिट ऑन, बाकी 4 और 2 वाली बिट ऑफ। अगर मैं 12 करूं यानी कि सी करूं तो 8 9 10 11 12 ये दो बिट्स ऑन और ये दो बिट्स ऑफ। अगर मैं एफ करूं तो 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि चारों बिट्स ऑन हो जाएगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि 1 hexadecimal इज इक्वल टू 4 bits, यानी कि बाइनरी की 4 bits के बराबर है 1 hexadecimal नंबर। अगर 2 hexadecimal हो तो वो बाइनरी की 8 bits, उसे 1 byte या 1 octet भी बोलते हैं। अब मैक एड्रेस कितने hexadecimal की बिट्स पर होता है? 12 hexadecimal पर मैक एड्रेस होता है। एक मैक एड्रेस 12 hexadecimal नंबर का होता है,
यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 48 बिट्स का मैक एड्रेस होता है। इसे हम 6 बाइट या 6 ऑक्टेट भी कहते हैं। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि एक मैक एड्रेस 12 हेक्साडेसिमल का होता है, राइट, एक मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है, दैट आल्सो राइट, एक मैक एड्रेस 6 बाइट का होता है, राइट, एक मैक एड्रेस 6 ऑक्टेट का होता है, ये भी राइट। थैंक यू।